दो पुलिस वाले आते हैं, आकर भाई को सादा सिगरेट पीने की वजह से इस पर पहले चर्स का इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम चर्स पीते हो। जब वो साबित नहीं होता तो थाने ले जाकर जो इसके साथ सलूक करते हैं और इस पर मांगने का पर्चा दे देते हैं। इधर गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ गली में, तो फोन आया घर में, फोन बात कर रहा हूँ साथ में सिगरेट पी रहा हूँ, दो पुलिस वाले आए हैं, आके मुझे कहते हैं बाहर निकल। मैं बाहर निकला हूँ, कहते हैं तू चर्स पी रहा है। मैं कहा सर कोई ऐसी मैं देख लें, आप तलाशी ले लें मेरी। वो ले गए थाने, मुझे कोई मार कुटाई वगैरह भी मारा भी है। वो पैसे वगैरह 3500 रुपया मेरे पास था, वो नहीं मुझे मिला वापस। मेरे ना लेंदी उदो की खुंदक बाजी, उस वजह तो इन्हें इन फटिया। इन्हें कहा मैं नन्हे का ड्राइवर हाँ, मैं उनकी गड्डी जी मेरी टाइम से लानी है, तो मैं आया वहाँ 1000 रुपये उन्हें भी लिया है, तो बाकी इन्होंने कट लेने। तो इन मारिया कुटिया भी ज्यादा इन्हें नाल भी की है, मैनू बदनाम करना चाहता सी तो मैंने बदनाम किया उन्हें सर। तो भाई मेरे साथ मौजूद हैं, यूनान भी रह के आए हैं कुछ अर्सा, सऊदीया भी कुछ अर्सा रहे हैं। वापसी इनकी लाहौर होती है, लाहौर में एक निजी कंपनी है जहाँ पर ये ड्राइवर की नौकरी करते हैं। खड़े होते हैं आप रोज़मर्रा के रूटीन के मुताबिक, भाई दो पुलिस वाले आते हैं और आकर भाई को सादा सिगरेट पीने की वजह से इस पर पहले चर्स का इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम चर्स पीते हो। जब वो साबित नहीं होता तो थाने ले जाकर जो इसके साथ सलूक करते हैं और इस पर मांगने का पर्चा दे देते हैं कि ये बंदा मांगता है सड़कों पे। अजीब कहानी है। और थानेदार कौन थे, थाना कौन सा लगता है, बाकी जो कहानी मैं भाई की जुबानी जानता हूँ, पुलिस वाले से कोई दुश्मनी थी या पुलिस वाले जानने वाले थे कोई? नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं, मैं सियालकोट से आया हूँ, इधर गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ गली में, तो फ़ोन आया घर में, फ़ोन बात कर रहा हूँ साथ में सिगरेट पी रहा हूँ, दो पुलिस वाले आए हैं, आके मुझे कहते हैं बाहर निकल। मैं बाहर निकला हूँ, कहते हैं तू चर्स पी रहा है। मैं कहा सर कोई ऐसी मैं देख लें, आप तलाशी ले लें मेरी। उन्होंने तलाशी ली है, कह रहे हैं चर्स पी रहे हैं चर्स। वो ले गए थाने, मुझे उधर जाके कहते हैं जी तेरे ऊपर पर्चा दे देना चर्स का। कोई मार कुटाई वगैरह भी? मारा भी है ऊपर ऊपर मेरे पास। तो खुल के बताया ना, जो सलूक आपके साथ किया उन्होंने? अच्छा सलूक नहीं किया उन्होंने, मारा शुरू जी। कितने पुलिस वाले थे? इधर से दो पुलिस वाले जी। उनके नाम क्या थे सर? नाम मैंने इकबाल शेराकोट जी। अच्छा फिर थाने में जाके मार कुटाई होती, उसके बाद का मुतालबा? पैसे वगैरह 3500 रुपया मेरे पास था, वो नहीं मुझे मिला वापस। 3500 आपको दिया ही नहीं वापस? नहीं, ऊपर से कहते जी तेरे ऊपर मांगने वाले का पर्चा दे दे। मांगने वाला पर्चा दे देना कि दे दिया? दे दिया मांगने का पर्चा, पर्चा दे दिया जी। यानी आपको जेल बंद कर दिया जी, उसके बाद अगले दिन जमानत करवाते हैं। काम क्या करते हैं आप? ये काम मैं ड्राइविंग करता हूँ। आप ड्राइविंग करते हैं? कितना अर्सा हो गया लाहौर आए हुए? तकरीबन मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। ये वो भाई जान मौजूद है जिनकी ये गाड़ी चला रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपके पास नौकरी करते हुए? मेरे को इनको 1.5 साल हो चले ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, आप अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं। जी जी। तो पुलिस वाले की दुश्मनी? पुलिस वाले मंगन वाला पता की भी नहीं छकलो सर। मैं दसना अगले दिन इतने ना रक्षे वाले फड़े इसे इकबाल साहब ने। अच्छा। मेरे सामने करानी मानी कहांगा भी इन्हें पैसे लाए ने, ठीक है हूँ इन भी जरा गड्डी उत्थे खड़ी कर गया, तो इतने आया हल मैं फ्लैट लिया उ ड्राइवर सौंदे है मेरे नाल अड्डा सियालकोट का, इस लाहौरों सियालकोट चलता है। मेरे ना लेंदी उदो की खुंदक बाजी, उस वजह तो इन्हें इनू फटिया। इन्हें कहा मैं नन्हे का ड्राइवर हाँ, मैं उनकी गड्डी जी मेरी टाइम से लानी है, तो मैं आया वहाँ गया। पिछे मुंडे इन्हों को पैसे मंगते रहे हैं, ये रुपया 800 करानी मानी देंदे रहे हैं। उन्होंने कहा 800 नहीं असी लेना, असी ज़्यादा लेने। इन्हें कहा मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे को कुछ कुछ है भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ही उन्हें कहा नहीं थाने लैके जाना, इनू थाने लैके आया। इन्हें को 3500 रुपया आया, असी 3500 रुपया भी इन्होंने कढ लिया। जिहड़ा सुबह पेश करान गया 1000 रुपया, वह भी इत्थों रेंट तुल गया। मेरे को कैमरे लगे दुकान पर, इतने आया लैके 1000 रुपया उन्हें भी लिया है, तो बाकी इन्होंने कढ लेने। तो इन्हू मारिया कुटिया भी ज्यादा इन्हें नाल भी की है, मैनू बदनाम करना चाहता सी तो मैंने बदनाम किया उन्हें सर। बड़ी बात है। और ये इनके खिलाफ बिल्कुल ऐसी ही रिट दायर हो सकती है कि एक निजी कंपनी को बदनाम करने के लिए, और दूसरा एक मज़दूर बंदा जो मजदूरी करता है, बीवी बच्चे, एक गरीब बंदा जो कि दिहाड़ी लगाता है और ड्राइवर की नौकरी करता है, लेकिन उस पर मांगने का पर्चा देना, और जो खुलेआम लोग मांग रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ ये पैसे बटोरने का तरीका है। इकबाल साहब जो इस थाने के कॉन्स्टेबल हैं, सुनने में आया कि वो 10 साल हो गए यहाँ पर भर्ती हुए हैं। अब इनके खिलाफ कोई ना कोई हम लोग कार्रवाई तो लाजमी करते हैं और कोशिश करते हैं। आईजी साहब, डीआईजी साहब, ये जो इकबाल साहब हैं, इन्होंने पूरा का पूरा अपना ग्रुप बनाया हुआ है, कितनी देर से तैनात है यहाँ पर और कब से ये कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं और किन किन लोगों से ये पैसे लूट चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द आपके सामने लाऊँगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।